भाई ये एक्टिव कैसे होते हैं? इतनी सी बात है, देख भाई कंसिस्टेंसी इज द की। स्नैपचैट इंस्टाग्राम रोज यूज कर, एटलीस्ट एक पोस्ट तेरे को रोज डालनी है। और मैं बता रहा हूँ भाई, लड़कियों के लिए ना स्नैप स्ट्रीक सबसे ज्यादा जरूरी होती है, उसमें नंबर्स मिलेंगे। नंबर्स की बात आती है, लड़कियों की बात आती है टिंडर, टिंडर यूज कर, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ बात हो रही है फिजिकली एक्टिव होने की। देख भाई कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले तू घर जाके देख 4-5 जिम की रील, उसके बाद ले एक मेंबरशिप जिम जा, बॉडी बना बेहतरीन। फिर तू उसके बाद घर जाके देख ग्रम वाली रील, कपड़े पहनने सीखेगा बेहतरीन, फिर तू स्मार्ट हो गया, एक्टिविटी आ गई। अब तू उसके बाद करेगा ट्रैवल, ट्रैवल वाली रील देख, देख वंडरलस्ट और बोल तेरी कहानी क्या है यार। भाई कॉफी तो दे जा यार, मुझे तो एक्टिव रहने दे। 4 जिम वाली रील देखेंगे हम क्या उसमें? भाई क्या हो गया है दुनिया में, कहां ध्यान जा रहा है हमारा? व्हाट द फक। तो बॉलीवुड की 4 बॉक्सिंग वाली फिल्म्स देखकर तुम एक्टिव नहीं हो पाओगे और ना ही जिम ब्रोस से बात करके एक्टिव हो पाओगे। जाना पड़ता है उसके लिए, हाथ उठाने पड़ते हैं जिम में, लोगों पर नहीं। तो पूरा दिन बस टायर्ड ही फील होता रहता है ना। बस सवाल ये उठता है कि टायर्ड क्यों है हम और एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, सब सोच में क्यों जा रहा है? आसान है, ओ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, निकालते हैं इसका भी सॉल्यूशन। So what's up guys, this is Abhinav and you're watching Uncut. और आज हम बात करेंगे ऐसे बेस्ट मेथड्स की जिससे आप पूरा दिन एक्टिव रह सकते हो। भागते भागते आओगे और रॉकेट की तरह जाओगे, करके दिखाऊंगा फिर तुम बोलोगे कहाँ भाग गया। तो बात करते हैं कि हम पूरा दिन टायर्ड फील करते क्यों हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो पहला रीजन कि तुम बहुत खा रहे हो, दिमाग नहीं है, खाना खा रहे हो, यू आर ओवर ईटिंग। भूख लगती रहती है, रुकती ही नहीं है। देखो कुछ भी एक्सेस होता है ना तो बहुत बुरा हो जाता है। देखो बॉडी की एनर्जी को तुम कैलकुलेटेड रखो पूरे दिन में, सुबह उठने के बाद तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो अगर तुम बहुत ज़्यादा खा लोगे तो बॉडी तुम्हारी ज़्यादा एनर्जी यूज करेगी उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, जिससे तुम जल्दी टायर्ड हो जाओगे। इसलिए ईट लाइट एंड ईट हेल्दी, यू विल स्टे वेरी वेरी एक्टिव। तो नेक्स्ट रीजन इज स्लीप यार, कम सोओगे तो नेक्स्ट डे एनर्जी कम होगी, फिर पूरा दिन नींद आएगी, फिर जब वापस सोने लगोगे तो नहीं सोओगे, फोन देखना है, रील देखनी है, स्नैपचैट चलाना है, टिंडर चलाना है, चलाते रहो। नींद लो अच्छे से, यू विल स्टे वेरी एक्टिव, बट ज़्यादा सोना भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो अगर नींद एक पर्टिकुलर परफेक्ट आवर्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रहेगी तो यार बहुत एक्टिव रह लोगे तुम। और कॉफ़ी ज़्यादा मत पीना, यू नो द साइंस, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाने वाला। तो नेक्स्ट रीजन इज नो वर्कआउट, नो एक्सरसाइज। और अब तुम कहोगे कि एक्सरसाइज करेंगे तो और थक जाएंगे, अबे ऐसा नहीं होता है। जितना दिमाग कम यूज करोगे उतना वीक हो जाता है ना दिमाग, ऐसे ही बॉडी होती है, जितनी बॉडी को कम यूज करोगे उतनी बॉडी और वीक हो जाएगी और नॉन एक्टिव हो जाएगी। तो मोशन में रहोगे और एक्टिव ज्यादा रहोगे, और जितना थके हुए रहोगे उतना ज्यादा थके हुए रहोगे, साइंस समझो। बहुत बहुत हैवी वर्कआउट से काम नहीं चलना, स्लोली प्रोग्रेस करो, वॉक, जॉग, स्ट्रेचिंग, योगा, रनिंग, फिर वेट लिफ्टिंग, स्टेप बाय स्टेप, बी पेशेंट एंड बी एक्टिव। और अब हेल्थ से बाहर आते हैं, एक और रीजन है, यू लैक नॉलेज। तो कॉमन टॉपिक्स नहीं है तुम्हारे पास, यू डोंट टॉक, तुम अकेले रहते हो, लोनर हो और बात नहीं करते हो, तुम एनर्जी कहाँ से आएगी? कहीं सवाल और जवाब ही नहीं है, बातें ही नहीं है। तो नॉलेज बढ़ाओ अपनी और कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, अपने आसपास लोगों को रखो ताकि तुम्हें एक्टिव फील हो, एक्टिव लोगों के साथ रहने के लिए। लोगों के बीच रहकर अपनी एक्टिविटीज़ करो, मूवमेंट को एंजॉय करो, नाव में रहो यार, एक्टिवनेस भी बढ़ेगी और तुम्हें मज़ा भी आएगा। वैसे सोच लो तुम्हें मज़ा आ रहा है, मज़ा लो। तो कुछ ऐसे रीजंस जो तुम्हें टायर्ड बना सकते हैं, बना रहे हैं, और इन पर काम करोगे तो शायद पूरी तरह एक्टिव हो जाओगे। बट कॉन्शियस रहकर काम करना इन सब पर, और शेयर कर दो अपने वीडियोस को जो सोते हुए ये वीडियो देखेंगे और फिर उठ के जाग जाएंगे, क्योंकि मेरा सोने का टाइम हो गया। लेकिन इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब टू अनकट।